जब तक योगी आदित्यनाथ हैं, न्याय का डंडा बजेगा, न्याय का बुलडोजर चलेगा, गुंडे मवाली शांत होकर के अपने बिलों में दुबक जाएंगे। देखिए, गाड़ी पलटना कोई सलूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदी फिल्मों का वो डायलॉग सुना होगा कि पहले इसके दिलों से, जनता के दिलों से इस गुंडे मवाली की दहशत खत्म करनी है, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। जिस दिन सत्ता बदली, शपथ लेने से पहले ही ये गुंडे मवाली तुरंत सांप की तरह फनकार के अपने बिलों से बाहर आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश की जनता को डसेंगे। जस्टिस से गुंडे मवालियों का अंत होता है, पुलिस केवल कंट्रोल करती है, और पुलिस का इनकाउंटर या एक थप्पड़ या एक गाली या एक डंडा सिर्फ अपने अधिकारों से आगे बढ़ करके समाज में एक व्यवस्था शासन के डर को कायम करने के प्रयास होता है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि यदि उत्तर प्रदेश के भविष्य को या भारत के भविष्य को सुनिश्चित करना है तो आपको ऐसी निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार, सुस्त कार्यशैली वाली अदालतों से अपने देश को, देशवासियों को मुक्ति देनी पड़ेगी जो दशकों तक फैसले देने से पीछे रहती है और तारीख पर तारीख बांटती है। आप उस परिवार की हालत या तमाम उन परिवारों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं जो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक ऐसे केसेस में गुंडों के सामने मुकदमा लड़ रहा है। उनकी हालत जब एक गरीब मर जाता होगा, न्याय पाते पाते एड़ियां घिस जाती होंगी, तब ऐसे माफिया, गुंडे, मवालियों का जन्म होता है। यदि जस्टिस का राज कायम होता तो उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडे मवालियों का जन्म ही नहीं होता, तो फिर ऐसी आज बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज देश के तमाम टीवी चैनलों पर घंटों 12-12 घंटे तक कवरेज चलाने वाले टीवी के तमाम तथा कथित नेशनल टीवी के पत्रकार हों या नॉर्मल पत्रकार हों, एक सवाल से वो बच रहे हैं कि ऐसी अदालतों से हम अपने देश को कब तक चलाएंगे, ऐसी अदालतों की कार्यशैली से हम अपने देश को कब तक रुलाएंगे, और ऐसी निर्लज्ज प्रणाली के साथ ये देश, ये हमारा उत्तर प्रदेश कब तक चलेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ हैं, न्याय का डंडा बजेगा, न्याय का बुलडोजर चलेगा, गुंडे मवाली शांत होकर के अपने बिलों में दुबक जाएंगे। लेकिन जिस दिन सत्ता बदली, शपथ लेने से पहले ही ये गुंडे मवाली तुरंत सांप की तरह फनकार के अपने बिलों से बाहर आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश की जनता को डसेंगे, काटेंगे, और फिर उसमें सैकड़ों अतीक, सैकड़ों अंसारी, सैकड़ों कितने नामों के गुंडे मवाली होंगे, उनसे हमारा प्रदेश फिर दो दो हाथ करता हुआ फिरेगा। बहन बेटियों की इज्जतें और असमतें लूटी जाएंगी, व्यापारियों से रिश्वतें ली जाएंगी, इसका अंत करना होगा, और ये अंत करने का दायित्व आज योगी आदित्यनाथ जी के कंधों पर है। जिस तरीके से न्याय का बुलडोजर आपने चलाया, अतीक अहमद को जो उम्र कैद की सजा हुई है, क्या उससे आप खुश नहीं है? क्या क्या होना चाहिए था उन्हें? उम्र कैद की सजा अतीक अहमद के गुनाहों का अंत नहीं है, ये किडनैपिंग के मामले में मिली सजा है। अभी जो मर्डर के केसेस में सजा होगी उसमें उम्र कैद नहीं, सजाए मौत मिलने वाली है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो केस आप उमेश का देख रहे हैं, इससे 17 साल पहले भी ऐसी ही राजू की हत्या हुई थी, उसके भी गनर को मारा गया था। तो ये केस जब हत्याओं का जब ओपन होगा तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ सजाए मौत मिलेगी। ये किडनैपिंग के मामले में उम्र कैद मिली है। अच्छा। तो ये जो डबल ट्रिपल सजाएं होंगी, मुझे नहीं लगता कि इतना साम्राज्य जो तुमने कमाया, इतनी जो धन दौलत कमाई, उस सबको नैनी की जेल में सीमित करते हुए अपनी मौत का इंतजार करते हुए खत्म करना पड़ेगा। लोगों को इंतजार और था, एक इंतजार था उसकी गाड़ी पलटने की, लेकिन गाड़ी पलटी नहीं गई इसमें। देखिए, गाड़ी पलटना कोई सलूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदी फिल्मों का वो डायलॉग सुना होगा कि पहले इसके दिलों से, जनता के दिलों से इस गुंडे मवाली की दहशत खत्म करनी है। अच्छा। उसके बाद इसको खत्म करेंगे, तो वो वाला सीरियल अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अच्छा। अभी तो दहशत खत्म हुई है, अभी तो जो दूसरों को दहशत देते थे वो दहशत में सांसें लेते हुए पता नहीं कैसे नैनी पहुंच गए हैं अहमदाबाद से। लेकिन ये सारी चीजें एक साइड है, जो मेन साइड है, जिस पर आज कोई देश का व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, कोई नेता बात नहीं कर रहा है, कोई पार्टी बात नहीं कर रही, कोई प्रवक्ता बात नहीं कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि ऐसी देश में निर्लज्ज, सुस्त, गैर जिम्मेदार अदालतें जो दशकों बाद फैसले सुनाएंगी, दशकों 20-20 साल तक फैसले ही नहीं सुना रही हैं, इनसे देश और उत्तर प्रदेश कब तक चले? ऐसी अदालतें जो अगली तारीख की रिश्वत लेके जज के सामने पेशकार के द्वारा चल रही हैं,
वो उत्तर प्रदेश में कब तक चलेंगी, कब तक न्याय का गला घोट करके अपराधियों का, गुंडों का, मवालियों का, डकैतों का, स्कैमरों का, स्नेचरों की, हम महिमा मंडल और उनकी शक्ति इन्हीं अदालतों और जुडिशरी कार्यशैली की वजह से बढ़ाते रहेंगे। जब तक हम इस पर प्रहार नहीं करते, जब तक योगी आदित्यनाथ इस पर प्रहार नहीं करते, तब तक उत्तर प्रदेश की इस गुंडा राज की, इस मवाली राज की, माफिया राज का अंत नहीं होगा। याद रखिए, जस्टिस से गुंडे मवालियों का अंत होता है, पुलिस केवल कंट्रोल करती है, और पुलिस का इनकाउंटर या एक थप्पड़ या एक गाली या एक डंडा सिर्फ अपने अधिकारों से आगे बढ़ करके समाज में एक व्यवस्था शासन के डर को कायम करने के प्रयास होता है। अधिकार तो उसका भी नहीं पुलिस को है, जो इसको अधिकार है वो है जज, वो है जुडिशरी, वो है न्याय प्रणाली। और भारत की जो न्याय प्रणाली है निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। अदालत की कुर्सी पर जज के साथ 1.5 फुट की दूरी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने मुवक्किलों से, अदालत में मुकदमा लड़ रहे लोगों से अगली तारीख की रिश्वत ले लेता हो, उस उत्तर प्रदेश की अदालतों को बदलने की जरूरत है, उस न्याय प्रणाली को बदलने की जरूरत है, कुचल करके रख देने की जरूरत है। ये काम अगर योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं तो मैं कहूंगा माफियाओं को आप मिट्टी में मिला सकते या पैदा होने से ही रोक सकते। मिट्टी में मिलाने से क्या फायदा, 10-10, 20-20, 25-25 साल पुराने पेड़ों को मिट्टी में मिलाएंगे तब तक वो हजारों नाश बेकसूर इंसानों की जिंदगियां ले जाएंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये गुंडा माफिया भारत और उत्तर प्रदेश की भूमि पर पैदा ना हो। वो जुडिशरी कायम करिए, तमाम जस्टिसों को बर्खास्त करिए, जो त्वरित फैसले ना दे सकते हैं, न्याय ना दे सकते हो, न्याय देने की क्षमता ना रख सकते हो, तमाम जस्टिसों के उनके न्याय देने की प्रक्रिया क्षमता का आकलन करवाइए, जितने भी नालायक हैं सबको बाहर फेंकिए और तेज तगड़े त्वरित कार्रवाई करने वाले जस्टिसों को लाइए, चाहे उनके लिए 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने की ट्रेनिंग ही क्यों ना देनी पड़े, दिलवाइए वो ट्रेनिंग और जस्टिस एस्टैब्लिश करिए। मैं देखता हूँ कौन सा गुंडा, कौन सा मवाली, कौन सा पैसा उगाहने वाला, रिश्वत लेने वाला या रंगदारी करने वाला उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हो जाता है। ये सारे गुंडे मवाली, ये सारे चोर नेता सब इन्हीं अदालतों के प्रोडक्ट्स हैं, जुडिशरी के प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज जहाँ जस्टिस कायम है वही राष्ट्र, वही प्रदेश, वही देश, वही समाज तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। क्या योगी सरकार में ये सब कायम है, योगी सरकार में सही काम हो रहा है इसे? योगी जी, अब तक जो बुलडोजर न्याय का, जस्टिस का आप चला रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि आपके जाने के बाद भी जो अगला मुख्यमंत्री आएगा वो बुलडोजर चलाएगा? वो बुलडोजर चलते रहेंगे, न्याय में चलते रहेंगे, गरीब के अधिकार के लिए गुंडों पर चलते रहेंगे। जब तक ये व्यवस्था आप कायम नहीं कर देते उत्तर प्रदेश में, ना माफिया राज खत्म होगा, ना गुंडा राज खत्म होगा। और ये माफिया गुंडे आपकी अदालतों में पैदा हो रहे हैं, आपके न्यायालयों में पैदा हो रहे हैं, आपके न्यायालयों में बैठे जस्टिसों की तारीख पर तारीख देने की वजह से पैदा हो रहे हैं। मुझे शांत करना हो उत्तर प्रदेश के गुंडे मवालियों को, और अगर 100 साल तक उन्हें पैदा ना होने की दवाई देनी हो तो मैं सबसे पहले जुडिशरी के निर्लज्ज अदालतों को समाप्त करूंगा, न्यायालयों को समाप्त करूंगा, उनकी कार्यशैली को समाप्त करूंगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में शांति और विकास और उन्नति, समृद्धि, सम्मान का राज्य कायम कर दूंगा। लेकिन सर, एक तबका जो है आतिक अहमद के समर्थन में आ रहा है ना, बोल रहा है आतिक अहमद ने जो भी गुनाह किया तो उनके परिवार को क्यों मिल रहा है, उनके घर को क्यों मिल रहा है, घर क्यों तोड़ा जा रहा है? चोरी की, बेईमानी की, डकैती की, डकैत की, जो रोटी खाएगा किसी के खून पसीने हाय की, जो रोटी खाएगा उसे कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, उसे कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। गाड़ी में घूम रहे हो अपने बापा जी की, ना नौकरी ना चाकरी ना कोई धंधा ना बिजनेस, सफर ये गाड़ी में जब घूम रहे हो, चोरी की गाड़ी, रंगदारी के पैसे से खरीदी गाड़ी में, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अच्छा। उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है, केवल अतीक की फैमिली को नहीं, पास पड़ोस के पड़ोसियों को भी चुकानी पड़ती है। अच्छा। समाज को भी चुकानी पड़ती है, गांव को भी चुकानी पड़ती है, जिले और प्रदेश को भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि इन तरीके के रंगदारी वाले, इस तरीके के लूटपाट करने वाले, इस तरीके के पैसा बटोरने वालों ने कितने बिजनेसमैनों के घर लूटे होंगे, तब जाके अपने घर भरे हैं। तो निश्चित तौर पर एक
गलत व्यक्ति की सजा केवल वही नहीं भुगतता, उसका परिवार, उसका समाज, उसका गांव, उसका देश सब भुगतते हैं। तो ये सजा जो भुगत रहा है आतिक अहमद, किस लिए भुगत रहा है? क्या लग रहा है कि वो धर्म के नाम पे भुगत रहा है? क्योंकि आरोप लगता है मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे, योगी जी धर्म को देख के पक्षपात करते हैं और उनके ऊपर ये करते हैं, क्योंकि कई अपराधी हैं जो ब्राह्मण भी हैं, जो ठाकुर भी हैं, जो हिंदू कास्ट में भी आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। आतिक अहमद है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई। ये बातें वही लोग कर रहे हैं जो अब तक जिनके जुबान पर इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास, किसी चैनल के जर्नलिस्ट के पास, टीवी चैनलों पर बोलने वाले किसी वक्ता के पास, कि ऐसी अदालतों से ऐसी निर्लज्ज कार्यशैली, दशकों तक मुकदमे चलाने वाली अदालतें कब तक उत्तर प्रदेश में चलेंगी? कब इनको न्याय देंगे आप और कब जस्टिस करेंगे? ऐसी अदालतें जिसमें मेरे बचपन में एक केस हुआ, मेरे 35 साल की उम्र तक आज तक फैसले नहीं आ गए, तारीख जज तो छोड़िए आप लड़ना भी भूल गए कि उसमें हमें कब तक लड़ेंगे। तो ऐसी न्यायालयों से, ऐसे जुडिशरी से, ऐसी जस्टिस से, ऐसी जुडिशरी सिस्टम से हमारा देश, हमारे देश के नागरिक कब तक बोझ ढोते रहेंगे? मैंने बचपन में सुना था कि अगली तारीख की रिश्वत ली जाती है। भाई साहब, जिस तरीके से रिश्वत ली जाती है, मैं तो कहता हूं जस्टिसों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारी लेफ्ट राइट हाथ के दूरी पर पकड़ लो तो कालर उसकी आ जाए तुम्हारे हाथ में, वो पेशकार तुम्हारी टेबल पर, तुम्हारी जस्टिस की टेबल पर, तुम्हारे न्यायालय की टेबल पर, तुम्हारे कचहरी के टेबल पर, तुम्हारी कोर्ट में रिश्वत लेता आया है, भारत की, उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों की अदालतों में रिश्वत ले आया है। तुम जस्टिस क्या दोगे? तुम विश्वास जस्टिस का क्या पैदा करोगे? तुम कानून का राज कैसे स्थापित होने दोगे? तो मैं कहता हूं पुलिस वालों को जो लोग गाली देते हैं, हिम्मत है तो सभी अपराधियों के जो माँ बाप बने हुए हैं, जो खाद और फर्टिलाइजर बने हुए हैं, हमारे जस्टिस, जुडिशरी सिस्टम, डिले ऑफ जस्टिस, तारीख पर तारीख वाले मुकदमे, उसको ठीक करो। ना कोई पैदा होगा आतिक जैसा, ना कोई उसको सपोर्ट कर पाएगा, ना उससे किसी जनमानस को नुकसान हो पाएगा। एक आम अदने से अकेले चल रहे बच्चे को भी जब जस्टिस मिलेगा, न्याय होगा, तब आपका राज्य, आपका प्रदेश, आपका समाज, आप उन्नति के मार्ग पर होंगे और उस दिन भारत विश्व का सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन राष्ट्रों में गिना जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।